उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को मामूली चूक के कारण प्रवेश देने से रोक दिया गया। अपना कैरियर तबाह होता देख कई युवतियां रोते रोते गिरकर बेहोश हो गईं। कानपुर के एक परीक्षा केंद्र पर इतना हंगामा हुआ कि सैकड़ों कैंडिडेट सड़कों पर उतर आए। अब ऐसा लग रहा था कि परीक्षा आयोजकों की जिद ने सैकड़ों युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 3,307 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती की परीक्षा आयोजित की थी और कानपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा रखी गई थी। परीक्षा देने पहुंचे कैंडिडेट्स केवल एडमिट कार्ड के साथ ही पहुंचे थे, उन्हें आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा गया। इस पर वे सभी पास के साइबर कैफे जाकर ऑनलाइन आधार का प्रिंट निकाल कर ले आए। आयोजकों ने SIDI प्रूफ को मानने से इनकार कर दिया। इस पर कैंडिडेट्स ने तर्क दिया कि जब नेट से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड माने जा सकते हैं तो नेट से डाउनलोड किए गए आधार कार्ड क्यों नहीं माने जा सकते। इस पर आयोजकों ने कैंडिडेट्स को से आधार को लेकर लैमिनेट कराकर लाने को कहा। कार्ड लैमिनेट कराकर लाने की कोशिश की गई और तब तक काफी देर हो चुकी थी। टाइम खत्म हो गया, पहले का ठीक है और 5 मिनट जब जैसे ही पहुंची जाएगी पहले बोले टाइम खत्म हो गया। आपके कागज सही थे? कागज वोटर कार्ड वो थे। बावजूद भी आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? क्या कह रहे थे वो? कह रहे टाइम खत्म हो गया। किस बात का? किसी ऑनलाइन परीक्षा में टाइम खत्म हो जाए।